गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अब मेरे एक चीज़ आई थी माइंड में, बच्चे सोचेंगे मैम हमारा ही हमारा पूछते रहते हैं, खुद के बारे में नहीं बताते। तो जी हाँ, मैं भी अच्छी हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि आपको पढ़ाने का एक बार फिर मौका मिल रहा है। फील होता है कि बच्चे सामने नहीं बैठे हैं, एक कम्युनिकेशन होता क्लास में, आपसे रूबरू होकर आपकी प्रॉब्लम्स कई बार आपके फेस से पता चल जाती थी, उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। लेकिन देखिए, बिल्कुल नहीं होने से तो कुछ होना अच्छा है। लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है कि जितना प्रयास कॉलेज की तरफ से आपके लिए हो रहा है, उतना प्रयास आप अपने लिए कर नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कारण तो आपको पता है कि मुझे पता है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए, पढ़िए। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इन दो तीन साल में आपने मेहनत कर ली तो पूरी लाइफ आपकी बड़े अच्छे से निकलेगी, और अगर इन दो तीन साल मेहनत नहीं की तो आप जो अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों पर टाइम भी वेस्ट नहीं कर पाएंगे और अच्छे से आप सेट भी नहीं हो पाएंगे। तो मेरी आपसे यही कामना है कि आप देखिए, क्योंकि आपको पता है, व्यूज से पता चल जाता है कि आप कितना अटेंटिव है, कितना आप क्लासों को देखते हैं। हालांकि आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन मैं यह चाहूँगी कि आप और भी अच्छा रिस्पांस है वो दें और देखें, सीखें, क्वेरीज भेजें। आपके अब तक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं आने का क्या मतलब है? या तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा आता है या फिर आपको नहीं आता है। अब वो बात आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सी बात है। यदि आता है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो रिलैक्स कीजिए। यदि नहीं आता है तो फिर समस्या की बात है। तो अभी हम, जैसा कि हमने कल बात की थी, हम शुरू करते हैं वर्ब। देखिए, मैं आपको डेफिनेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि क्यों नहीं करवाऊंगी, आपको पता है बच्चे, अगर अब आपने नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपकी क्लास BSTC है, BEd के भी बच्चों के लिए क्लास है, तो आप 12th ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से निकल के आए हैं। और यदि आपने अभी डेफिनेशन नहीं क्लियर की तो आपकी डेफिनेशन कभी क्लियर नहीं होगी। इसलिए मैं आपको संकेत मात्र, हिंट मात्र ही बताऊंगी। आप इसमें से जो भी मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ, जो भी कमी छोड़ती हूँ, उसको स्वयं पूरा करेंगे, और यही एक क्लास का निचोड़ होगा। क्योंकि यदि आप प्रत्यक्ष होते हैं तो हम आपसे क्वेरीज कर लेते हैं, क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, लेकिन अब वो क्वेश्चन पुट नहीं हो रहे तो मुझे नहीं लगता कि इसका यह कोई बढ़िया इलाज है कि हम आपको खुद आंसर दे दें। मुझे ये लगता है कि इसका जो सही जो इलाज है, सही जो तरीका है, सही जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो यह है कि आप स्वयं प्रयास करें, फिर क्वेरी डालें, तो कुछ बताने में भी बढ़िया लगता है ना? तो आज हम फिर मंत्र से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, सरस्वती जी की, सरस्वती जी की कृपा आप पर, हम पर, मुझ पर, सब पर बनी रहे। और आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं, लेकिन इसे मैं टॉपिक से ज़्यादा कहूँगी कि टेंस के लिए जो आधारभूत, जो बेसिक, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो यह टॉपिक है। यदि आपने वर्ब को अच्छी तरह कर लिया तो आप टेंस की 80% जो जर्नी है वो क्लियर कर जाओगे और आपको अच्छा लगेगा आज। और दूसरा, जो 12 सेंटेंसेस की हमने बात की थी, तो उसमें एक वाक्य तो हमने देख लिया था कि इनडेफिनेट जो वाक्य है, साधारण जो वाक्य होता है, लेकिन उसके बाद तीन फॉर्म और बचती है वाक्य की, उनके बारे में भी आज बात करेंगे इन वर्ब के थ्रू ही। अब वो कौन से वाक्य बचते हैं, वर्ब पे जाने से पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो आपको पता ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो आप, या इनडेफिनेट सेंटेंस कह दो आप,
या फिर साधारण वाक्य कह दो आप। अब हम ऐसे साधारण वाक्य की बात करेंगे, जैसे कि आपको कुछ दिन पहले मैंने एक सेंटेंस बोला था कि वह कुत्ता है। यह कौन सा वाक्य या कौन सा टेंस होगा आप मुझे बताएंगे। अब देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो है, अब वर्ब यहाँ पर नहीं है। और जब हमने इनडेफिनेट टेंस की बात की थी, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म में हो, चाहे वो पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, तो हमने बात की थी कि ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया के अंत में ता है हो। अब यहाँ ता तो है, लेकिन क्या क्रिया के अंत में है? जैसे एक वाक्य और देखते हैं, वह जाता है। अब आप इन दोनों की तुलना कीजिए। अब ये ता है, ठीक है, और ये ता है। अब इसके आगे वाले शब्द को हम अलग लिख लेते हैं, ये तो है कु और ये है जा। अब आप ये बताइए, इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द एक क्रिया का एक वर्ब का है? तो आप सब कहेंगे कि जी ये क्रिया है, वर्ब है, यानी गो, और ये केवल मात्र एक शब्द है। तो जी हाँ, आपको क्लियर हो गया ना। इनडेफिनेट टेंस जब हम बात करेंगे तीनों कालों में, तो वहाँ कंडीशन क्या होगी कि क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ता था, ता होगा, आए तो क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। लेकिन अब वह कुत्ता है, यानी क्रिया के बिना जो साधारण वाक्य हैं हम उनकी बात करेंगे। चार प्रकार के वाक्य भी यहीं बनते हैं। यहाँ भी कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं? चार प्रकार के। नंबर एक साधारण, आप समझ गए, जैसे वह कुत्ता था या वह कुत्ता होगा, तीनों टेंस साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं वाले वाक्य, जैसे वह कुत्ता नहीं है, वह कुत्ता नहीं था, वह कुत्ता नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें भी चार तीन चार, जैसे तीन गुना में चार वाला फॉर्मूला था, वही यहाँ अप्लाई होगा। 12 सेंटेंसेस बनेंगे। अब बात आती है इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाले वाक्य, क्वेश्चन वाले वाक्य। क्या वह कुत्ता है? देखिए, बड़े ध्यान से, बड़े पेशेंस से कीजिए। इतना मैं दावा कर सकती हूँ कि आपने पेशेंटली अगर क्लास ली है, सूझबूझ के साथ ली है, तो आपके टेंस में कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब आता है सेम, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस था ना, या नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव यानी क्या प्लस नहीं वाले वाक्य। अब जैसे उदाहरण, क्या वह कुत्ता नहीं है? समझ गए आप? ये वाक्य तो बन गया प्रेजेंट में। अब यदि पास्ट में बनाना हो तो वाक्य कैसे बनेगा? क्या वह कुत्ता था?
ठीक है, वह कुत्ता नहीं था। और क्या वह कुत्ता था? क्या वह कुत्ता नहीं था? एक बार और देखिए, सबसे पहले साधारण वाक्य ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस। साधारण वाक्य कैसे? ऐसा साधारण वाक्य जिसमें ता है तो है लेकिन वो क्रिया के अंत में नहीं है। और दूसरी उसमें बात क्या होगी, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें से आज हम 8 हेल्पिंग वर्ब मुख्यतः जो प्रयोग होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस टॉपिक से पर जाने से पहले मैंने यह चीज़ आपको क्यों क्लियर की, क्योंकि आप इस विषय को अलग न माने कि डायरेक्ट टेंस के बाद वर्ब पे हम क्यों गए। मैंने आपको सेंटेंस टेंस को बिल्कुल तोड़ तोड़ के करवाया है। पहले मैंने आपको टेंस का मतलब बताया, फिर उसके टाइप बताए, फिर वो सेंटेंस बनाने, और अब उन सेंटेंस में यूज होने वाली छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब जैसे यही क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता कि वह कुत्ता है और वह जाता है, इस सेंटेंस में आप चूज कीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाते, या फिर आप दोनों ही टेंस कौन से वाक्य के मानते, प्रेजेंट इनडेफिनेट का मानते और उस अकॉर्डिंग आप रूल का प्रयोग करते। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि इज एम आर और वाज वर का प्रयोग तो हम कंटिन्यूस में करेंगे, कंटिन्यूस ये है नहीं। साधारण वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है, वाज वर का प्रयोग होता है। कैसे होता है वो आज हम करेंगे। हैज हैव का प्रयोग भी होता है। अब आप ये देखिए, पास्ट के वाक्य बन गए, साधारण वाक्य वह कुत्ता था, नेगेटिव वाक्य नहीं वाले वाक्य वह कुत्ता नहीं था, और इंटरोगेटिव पर्सन वाचक वाले होता है ना, हमारे दैनिक जीवन में इनकी जरूरत पड़ती है ना। जैसे क्या वाक्य लगाओगे इसकी जगह, जैसे यह कुर्सी है। अब यह वाक्य जितने हमने पीछे 12 सेंटेंस करे थे कौन से में ही नहीं आता, तो अब ऐसे वाक्यों का हम क्या करें, ऐसे वाक्यों के साथ हम क्या करें, ऐसे वाक्य कैसे बन सकते हैं, इन सब सवालों का जवाब इस क्लास में आपको मिल जाएगा। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले, क्या वह कुत्ता था, क्या वह भिखारी था, ठीक है, क्या वह कलाकार था, क्या वह शिक्षक था, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन। अब क्या और नहीं वाले, क्या वह कुत्ता नहीं था, क्या वह अंधा भिखारी नहीं था, क्या वह कॉलेज नहीं, इसमें तो वर्ब आ जाएगी, क्या वह सैनिक नहीं था, इस तरह के वाक्य हैं वो क्या है, पास्ट टेंस में प्रयोग किए जाएंगे। अब बात आती है फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, हम सबको पता है कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, भविष्य काल में करते हैं। भविष्य काल के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर टेंस में ये चारों वाक्य कैसे बनेंगे, वह कुत्ता होगा जिस वाक्य के अंत में गागेगी आए, ठीक है, या फिर वह सैनिक होगा, ठीक है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग अलग तरह से होगा। तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे होगा, आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे वह कुत्ता नहीं होगा, क्या वह कुत्ता होगा,
और इंटरोगेटिव क्वेश्चन के बाद आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, क्या वह कुत्ता नहीं होगा, और इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। अब आपको इतनी बात क्लियर होने के बाद अच्छी तरह पता चल गया कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप एक वर्ड पे और गौर कीजिए कि टेंस और सेंटेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। टेंस के हमने 12 वाक्य किए हैं, उसमें वर्ब के साथ कंडीशन होना जरूरी है। जैसे क्रिया के अंत में ता, क्रिया के अंत में ता था, क्रिया के अंत में आ ए ई होगा जैसे, ठीक है। लेकिन यह सेंटेंस है, यह वाक्य है, वह काल की बात थी कि काल का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब वाक्य में यह चार प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं, साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इतनी चीज क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे वर्ब की, क्योंकि है जो सेंटेंस हैं इनमें वर्ब की मुख्यतया भूमिका रहेगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब क्या का मतलब क्या होता है। वर्ब देखो दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। अब इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसमें हमें अभी इस पे नहीं जाना, ये मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ। उसमें से ही अब सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया शामिल है। जैसे साधारण टेंस की बात की थी हमने, वह जाता है, तो कौन जाता है, वह जाता है, तो इसमें जो जाना है वो क्या है, क्रिया है। लेकिन कौन जाता है उसका आंसर नहीं मिला, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। लेकिन राम स्कूल जाता है, तो वह कहाँ जाता है, स्कूल, तो इस वाक्य में कर्म की मौजूदगी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, सकर्मक वाक्य हो जाएगा। लेकिन आज हम वर्ब के इस रूप को नहीं करेंगे, हम वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एन एक्शन। यानी ऐसे शब्द जो किसी एक्शन को, किसी के किसी कार्य को होने का हमें बोध कराए, किसी कार्य को घटित होने के बारे में हमें बताए, और जिसमें से दो पार्ट हम इसको करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जो आज हमारा विषय है, हेल्पिंग वर्ब को हम एक्जुलरी वर्ब भी कह देते हैं, लेकिन इसका आसानी रखें आप, इसको हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही देखें। अब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, वह जाता है। अब जो जाना है वो तो हो गई मुख्य क्रिया। अब यह जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे यह वाक्य तो बन गया साधारण, अब लगाते हैं जैसे वाक्य देखते हैं, अभी आते हैं, वह कुत्ता है। अब देखिए
इस वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। ही इज डोग। समझ गए आप? और जैसे वह जाता है, ही गोज, एक वचन है तो यस लग जाएगा। तो यह गोज है, यह मेन वर्ब है, और यह जो इज है यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 16 प्रकार होते हैं, जिसमें से आज हम हेल्पिंग वर्ब की 8 फॉर्म के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी 8 फॉर्म होंगी? वह डू, इसको इस कैटेगरी में बांट लेते हैं, डू, हैव और बी। ठीक है, तो इसके पार्ट हम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, टू डू, टू हैव और टू बी। अब देखिए, टू डू में सबसे पहले जो डू की फॉर्म में है वो वर्ब आएंगी, जैसे डू, डू के साथ ईएस सिंगुलर में लग के डज, और डिड। आपने इन तीनों का प्रयोग देखा होगा वाक्य में। इसके बाद टू हैव, तो हैज, हैव और हैड। और इसके बाद आपने देखा होगा इज, एम, आर, वाज और वर। अब ये वर्ब की जो फॉर्म है ये अपने सामने लिखी हुई है, और इनका प्रयोग हमने किया था, और यदि आपको याद है तो इनका प्रयोग हमने टेंस में किया था। अब देखिए, तब हमें क्या था कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होगा। सिर्फ हमने इसको एज ए रूल याद किया था, लेकिन आज हमें यह पॉइंट क्लियर हो गया कि यदि इज, एम, आर का प्रयोग हुआ है तो उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है। जी हाँ, तो देखिए एक चार्ट बनाते हैं। आपको सबसे पहले क्लियर करती हूँ कि टू डू की जितनी भी फॉर्म है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, और यह जो डिड है इसको हम देखते ही सोचते हैं कि पास्ट में डिड का प्रयोग होता है, और भाग कर पेपर में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन उठता है। तो हमेशा इसको आसानी से याद करने के लिए आप इस फॉर्म में याद करना कि डू यानी डी की जो फॉर्म है उसके आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसका प्रयोग हमेशा इनडेफिनेट वाक्य में भी नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है वो आगे चर्चा करेंगे, और इम्फासिस जहाँ पे क्या किया जाए, किसी वाक्य पे जोर देकर जो वाक्य कहा जाए, जोर देकर कहना। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप पढ़ते हो तो आप कहो हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो ऐसा जो वाक्य है जोर देकर कहने वाला वाक्य है वहाँ पर क्या होगा, डू, डज और डिड इसका फॉर्म का प्रयोग होगा, और इनके साथ इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद हैज, हैव और हैड, यह
हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाएगी। और जिस बच्चे ने टेंस की सीरीज अच्छे से देखी है उसको आज बड़ा आनंद आ रहा होगा, उसको साथ के साथ पता लग रहा है कि मैम क्या कह रहे हैं। परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हैज, हैव, हैड। देखते ही आंख बंद करके आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर इनके साथ बीन जुड़ा हो तो आंख बंद करके आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इज एम आर की, तो यह हमेशा प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूस लगातार, जहाँ पे कोई भी कार्य लगातार हो रहा है। और यहाँ पर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है बात। अब इसका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैसे होगा, इतना आपको क्लियर हो गया। हमने पर्सनल प्रोनाउन किए थे तो अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में कैसे होगा। लेकिन एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसको याद करने का डी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको कर लीजिए D1 से आपके दिमाग में रह जाएगा। डू, डज और डिड जहाँ भी दिखे वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंख बंद करके लगा देना। H की 3 साइंस में आप याद करते ही हैं ना इनकी पावर, तो H की 3 मतलब जहाँ पर हैज, हैव और हैड दिख जाए वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और B 2B की फॉर्म है ना ये, तो B 4 कर लेना, बी फोर वैसे ही याद रह जाएगा तुम्हें। बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर्ब, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब डी की फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट साधारण वाक्य में, साधारण में भी नहीं वाले और जोर देकर कहने वाले, क्या और नहीं वाले वाक्यों में। अब देखते हैं हम कि इनका पर्सनल प्रोनाउन के साथ इनका उपयोग है जो वो कैसे होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने हो गए, आई को हम सबसे ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आई का प्रयोग सिंगुलर भी होता है प्लस प्लूरल भी होता है, ठीक है। आई का प्रयोग आप सब जानते हैं सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और प्लूरल फॉर्म में भी होता है। इसके बाद वी, यू, दे, ठीक है, ये कौन से नाउन है, ये हैं पर्सनल प्रोनाउन। नाउ आई और वी और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन और दे क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन ये सारे क्या है, बहुवचन हैं, तो बहुवचन के साथ क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं ही, थर्ड पर्सन आगे, ही, सी और इट, ये एक वचन है तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा। और यहाँ पे आप वो फॉर्मूला याद कर लो, आई के साथ भी डू का प्रयोग होगा। यहाँ पर आप वो फॉर्मूला याद कर लो कि देखो सिंगल है तो किसी को साथ लेके जाने की जरूरत पड़ेगी, ई को, ई एस को या ई को। और अगर अदर यदि बहु यानी हम बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें किसी को साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए आप। उसके बाद फिर बहुवचन है तो यहाँ पर क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। और यदि एक वचन है तो ही हैज, जैसे ही हैज डन हिज वर्क, जैसे हमने परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया था। अब अगर एक वचन है तो इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, एक वचन है तो इज और वाज का प्रयोग, और यदि बहुवचन है तो वर का प्रयोग, ठीक है। तो आपको ये सारे
प्रोनाउन में कैसे प्रयोग होता है इसका, यह चीज़ क्लियर है, हो गई होगी। अब आगे की कक्षा में हम कैसे साधारण वाक्य